हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं विजयश्री पवार और आज हम लोग लेकर जाने वाले आपको कहीं और, तो अभी नहीं बताएंगे हम, वहाँ जाने चलने पर आप खुद समझ जाओगे कहाँ लेकर आए। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर देखो हमारे घर के सामने से बकरियों को चराने के लिए लेकर जाते। अभी ये व्हील पर जाएगी जहाँ पर बहुत अच्छी सी घास पहाड़ों पे है, तो वहाँ पे चलने लेकर जा रहे हैं। और उनको कई पेड़ पौधे दिखे तो उसे कट करके उनको खिला देते। और मेरे पापा भी यहीं पे थे। और अदिति देखो हमारी पढ़ाई कर रही है और हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। अभ्यास करते आदि। अदिति यही हमारे पास बैठ के पढ़ाई कर रही थी, मैं और अनीता लसन की खुरपाई कर रहे थे। तो बहुत अनचाही घास थी इसमें, लेकिन पहली बार हम लोगों ने निकाल ली थी, ये सेकंड टाइम है। लेकिन अभी ज़्यादा घास नहीं है अनचाही, लेकिन इसे ना हम बीच बीच में खुरपा लगाते ताकि बहुत अच्छे से ग्रो करे। और इसी के साइड में हमने धनिया भी डाला है और ये गेहूँ के साइड में एक ही हरी है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी। तो इसी तरह से घर पर खाने के लिए लहसुन लगाया है, यानी कि गार्लिक अभी इतना बढ़िया सा आ चुका है वो। और उसे ऐसे खुदाई करते रहो ना खुरपे से, तो बहुत जल्दी ग्रो होता है। तो और अदिति घर में ना रहते हुए हम लोगों के पास यही आके बैठ के पढ़ाई कर रही थी। अब कुछ प्रॉब्लम आए तो हम लोगों को पूछती है, तो बच्चे साथ में भी रहते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग अपना काम निपटा रहे थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर लहसुन की खुदाई फिनिश कर हम लोग घर की ओर निकलेंगे अभी। और घर की ओर जाते जाते यहाँ पे बहुत सारा हरा धनिया है जो इस जिससे पराठे और कोतंबीर वड़ी भी बहुत बढ़िया बनती है हमारे इधर की, महाराष्ट्र की। तो जब भी ये बहुत सारा धनिया फ्रेश फ्रेश आता है तो हम लोग बहुत सारा यूज़ करते हैं खाने में, और खाने में भी बहुत हेल्दी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण होते हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पाचन क्रिया हमारी बढ़ाता है और स्वादिष्ट बहुत बनता है इससे खाना। तो अभी मैं ये लेकर जा रही हूँ और ये ढेर सारा है, बस इसे फ्रेश फ्रेश निकाल लूँगी और घर के और लेके जाएंगे। और कुछ लहसुन की कुछ भी लेंगे ताकि इसे बहुत अच्छे से खुशबू आती है, इसे फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। तो थोड़ा सा लहसुन और लहसुन की जो पत्ते हैं वही लेंगे और बहुत सारा धनिया। तो इसे लेने के बाद और भी हम लोगों ने यहाँ पे कड़ी की सब्जी डाली है। हम लोग मार्केट में नहीं जाते ज़्यादा करके सब्जी लाने के लिए, तो खेतों में इधर उधर थोड़ा सा लगा लेते। तो यहाँ पे ये कड़ी है जो सब्जी पत्तों हरी पत्ती हरी सब्जियाँ बहुत आती है इस दिनों में, तो बहुत सारी लेकर जाएंगे फ्रेश फ्रेश वाली। तो अभी ये इस पर भी मावा गिर गया है, अभी इसे बहुत अच्छे से ध्यान से देखकर तोड़ना है और इसे बहुत अच्छे से धोकर बनाना है क्योंकि अभी बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको बादल आ रहे हैं ना, तो इसीलिए इसको बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छे से धोए क्योंकि ये इस टाइम पे बहुत सारा कीड़ा लगता है। और इसे घर के रखने के बाद हम लोगों को यहाँ पर हमारी बैलगाड़ी से हम लोगों को कहीं और जाना था, तो मैं बैलगाड़ी अभी चढ़ भी गई और अभी इसे चला दूंगी मैं, क्योंकि जब भी मैं बैलगाड़ी में बैठती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं चलाती हूँ। मैंने हमारे ये भी बाड़ू भाई उनके हाथों से मैंने ले ली। और अभी देखो हमारी बैलगाड़ी दुम दुम भागते हुए जाएगी हमारे जहाँ पर बफेलो सरोवर है वहाँ पे, तो उसी को मैं भगाऊंगी अभी। तो फटाफट चलते उधर। और गाड़ी तो हमेशा हवा से बातें करती हुई भागती हुई अच्छी लगती है। और अभी हमारे बैल भी बहुत अच्छे हैं जो बहुत तेज़ी से भागेंगे और फटाफट से हम लोगों को वहीं पर लेके जाएंगे। तो अभी इसमें ज्वारी कट की हुई है जो उनके लिए हरी घास लेके जा रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर बहुत लंबा रास्ता है इसीलिए
जो हम लोगों ने वो ज्वारी कट करके इसे बैलगाड़ी से रोज़ाना लेके जाना होता है, क्योंकि हर रोज फ्रेश फ्रेश कट किया हुआ हरा चारा लाते हैं। और ये ना कभी कभी क्या होता है कि ट्रैक्टर से भी लाते हैं लेकिन बैलगाड़ी से ज़्यादा लाते हैं, इसीलिए हमेशा यहाँ से वहाँ तक भाग, उनको बहुत आदत है हमारे बैलों को। तो अभी इसी तरह से दौड़ते हुए भागते हुए अब जाएंगे, और बहुत सारा काम आसानी से होता है क्योंकि बहुत दूर है ना, तो इसीलिए ये ऐसे ही फास्ट होता है, जैसे कि कोई काम हमारा बीच में ना अड़े, इसलिए बैलगाड़ी से पकड़ो और पटाख से लेके जाओ, तो बहुत जल्दी से पहुंच भी जाएंगे। और और हम लोगों को यहाँ पर उतरना था, इसलिए मैं नीचे उतरने वाली हूँ अभी, क्योंकि मुझे यही तक आना था, इसलिए मैंने बैलगाड़ी को चलाते हुए यहाँ तक आ गई मैं। और कसरगुंडी की तरह उतर गई, और यहाँ पे जो कांटे डाले हुए जो खेतों के और अंदर जाने के लिए खेत से, तो अभी मैं आ गई है। प्याज का खेत है, बहुत बढ़िया सा है, आप खुद देख लो कैसा है, और ठिबक पे लगाया हुआ है। इतने सुंदर प्याज आए हैं, इसको नजर ना लग जाए किसी की, इसलिए ये भुजगा होना लगा है। हैप्पी मैच, हेलो करो सबको। इसके साथ तो पोज देनी चाहिए, क्या कहेगा। मैं और अनीता अभी ये प्याज के खेत में आए हैं, और इसको ना ये प्याज खाने के प्याज नहीं, ये सीड्स आएगी इस पे, और देख सकते हो आप कितने सुंदर से है कि बहुत प्यारे प्यारे है। और ये ठिबक सिंचन पे लगा है, तो इसको घास भी ज्यादा नहीं आ रही अनचाई तो। और इस खेत में ना हमें लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये इतना सुंदर लग रहा है, और कुछ ही दिनों में इसमें से व्हाइट व्हाइट फूल आने लगेंगे, तो फिर तो बहुत ही प्यारे लगेंगे, आपको जरूर दिखाएंगे कितना सुंदर दिखता है। और फिर घर जाते टाइम ये रास्ता फिर बंद कर देंगे, ताकि कोई भी जानवर बकरिया कुछ भी अंदर ना जाए, उसे ना हमारे खेत खराब ना कर दे। और इसी तरह से हम लोगों ने हमारे काम करते रहते हैं हम लोग, तो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।